नमस्कार, आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। आज आरएनए में हम बात करेंगे अग्निपथ की। नहीं, फिल्म अग्निपथ नहीं, मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम की, जिसके तहत तैयारी है सेना में जवानों की भर्ती करने की कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, जो 4 साल के लिए होगी। तब तक इन्हें सेना के सभी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, लेकिन 4 साल बाद नौकरी खत्म और केवल 25% को फिर से सेना में आने का मौका मिलेगा और बाकी लोगों को अन्य सेक्टर में नौकरी करने का प्रावधान करने की योजना है। इस स्कीम की काफी तारीफ हो रही है। कोरोना के कारण 2-2.5 साल से बंद पड़े आर्मी के रिक्रूटमेंट के बाद जवानों में आशा की एक नई लहर जगी है। उम्मीद जागी है कि फिर से जिंदगी रेस में अपनी गति के साथ ट्रैक तलाशेगी। सीना फूलेगा तो यंग लड़के गर्व से आकर माँ बाप का आशीर्वाद लेकर ये बता पाएंगे कि वो देश सेवा के लिए सेलेक्ट हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग और 4 साल के बाद अगर सेना में ही नौकरी जारी नहीं रही तब भी 21 से 25 साल की उम्र में इतना कुछ सीख चुके होंगे कि आगे के जीवन में नौकरी या आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ सके। क्योंकि इस अग्निपथ स्कीम में एंट्री की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। वैसे सरकार की इस स्कीम पर कई जानकारों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। इन सबके बारे में आपको बताएंगे और स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि आरएनए में हम सारी बातें विस्तार से करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस शो में आपके इंटरेस्ट के एक टॉपिक की भी चर्चा करेंगे, खेल की। हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों की तरह आपको भी घर पर आने वाले अखबार को पीछे से खोलने की आदत हो, यानी खेल के पेज से। और अभी तो खेल जगत में जोर शोर से धमाके के साथ आईपीएल के मीडिया राइट्स की चर्चा है, तो उसकी बात करना आरएनए में भी लाजमी है। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग तो थी ही, लेकिन अब तो कमाई के लिहाज से वो दुनिया के खेलों में दूसरे नंबर पर आ गई है, क्योंकि बीसीसीआई को आईपीएल 2023 से 27 यानी 5 साल के लिए बम्पर कमाई हुई है और कुल बोली का आंकड़ा 48,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। और हाँ, इसमें एक बात जिसने सभी को बहुत चौंकाया और हैरान किया है वो ये कि टीवी से ज्यादा जोर डिजिटल राइट्स का रहा, यानी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैच भी देखना प्रेफर कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये शो आरएनए, जो कि आज तक डिजिटल की ही प्रस्तुति है, ये भी आपको पसंद आ रहा होगा। आप हमें कमेंट करके बताते रहें कि ये शो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। आरएनए के पहले सेगमेंट में बात इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी का नाम आते ही एक अलग ही भाव आ जाता है। वो कहते हैं ना कि वर्दी में कुछ तो बात है। यूं तो हर वर्दी में कुछ बात होती है, लेकिन भारत में सेना की वर्दी को लेकर जो दीवानगी है, जो उत्साह है और जो जज्बा है, वही इस वर्दी को खास बनाता है। 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना में अब इस योजना के जरिए युवाओं को जोड़ा जाएगा। इस दौरान तीनों सेना के अध्यक्षों ने भी इसके फायदे बताए। राजनाथ सिंह ने इस योजना को क्रांतिकारी कदम बताया। साथ में यह भी कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के भविष्य को 4 चांद लग जाएंगे। युवाओं के भविष्य का मसला हर काल हर सरकार में एक समस्या बनकर आता है और सरकार इस कोशिश में रहती है कि युवाओं के भविष्य में 4 चांद लग जाए। भारत के हर गांव के पास से एक हाईवे गुजरता है। हाईवे को लेकर तो गडकरी जी इतना एक्टिव रहते हैं, आपको पता ही है। हाँ, तो बात गांव की ओर और उसके हाईवे की हो रही थी। गांव में जब सूरज भी नहीं उगता तभी से युवाओं की टोली निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव हाईवे पर दौड़ लगाती है। सर्दी हो या गर्मी, आपको भारत के हर गांव में ये दृश्य दिखी जाएगा। ये मेहनत सालों की होती है। मेहनत क्या, इसे तपस्या ही कह लीजिए। तब कहीं जाकर इंडियन आर्मी की नौकरी लगती है। नौकरी किसी एक घर के बेटे की भी लगती है तो जश्न पूरा गांव मनाता है। ये जुनून है युवाओं का भारतीय सेना के लिए। चूंकि भारतीय सेना की ये नई स्कीम युवाओं को लेकर ही है और क्रांतिकारी भी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सेना के लिए युवाओं की दीवानगी को मैं भी आपसे साझा कर दूं। चलिए, बिना समय गंवाए अब आपको इस योजना से रूबरू कराते हैं।
अग्निपथ योजना क्या है। यह आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक अखिल भारतीय शॉर्ट टर्म सेवा युवा भर्ती स्कीम है। अग्निवीर के रूप में भर्ती किए जाने वाले जवानों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, भूमि, समुद्र या हवा में की जाएगी। तीनों सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती होगी। इसे इस तरह से विस्तार से समझिए। नई योजना के तहत 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती होगी। सैन्य बलों में जवानों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। 17 साल 6 महीने से 21 साल के तक के लोग भर्ती होंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सैन्य बलों में शामिल होंगे। जवान 3.5 साल फोर्स में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। बाद में 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। सालाना भर्तियों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन की सुविधा मिलेगी। इस योजना से स्थायी बलों का नंबर कम हो जाएगा। यह योजना रक्षा पेंशन बिल को काफी कम कर देगी, जो काफी सालों से सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। आपने समझ लिया होगा कि अग्निपथ योजना कहां है, लेकिन आपके दिमाग में अभी यह चल रहा होगा कि इसमें अप्लाई कैसे करें और अप्लाई करें भी तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। घबराइए नहीं, आज हम भी अग्निपथ योजना की ही बात करेंगे और वो सारी बातें बताएंगे जो इस योजना से जुड़ी हुई हैं और जो आपको जाननी भी चाहिए। चलिए आपको बनाते हैं अग्निवीर। कौन कर सकता है अप्लाई और क्या होगी चयन की प्रक्रिया। योजना में भर्ती होने के लिए युवाओं की आयु 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत पुरुष और महिला सेवा की जरूरत होने पर ही महिलाएं इसमें शामिल की जाएंगी, यह ध्यान रखें। वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वही मान्य होंगे। मेरिट और 4 साल के सेवा के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर होगा मूल्यांकन। सभी उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कार्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोदी सरकार की ये योजना क्या है और किसके लिए है और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा है कि नौकरी नौकरी होती है और नौकरी कोई भी हो, सैलरी की चाहत तो सबको होती है। सैलरी तो सेना में भी मिलती है और इस योजना में कितनी सैलरी मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सेना का मामला थोड़ा अलग होता है। सेना में शामिल होना ही गर्व की बात है। आपने पान सिंह तोमर फिल्म तो देखी ही होगी। इसमें इरफान खान को खाने और भागने का बड़ा शौक था। एक सीन में एक अधिकारी के सामने उनकी क्लास ली जाती है और अधिकारी उनसे पूछता है सरकार में विश्वास है, तो इरफान कहते हैं नहीं सर, सरकार तो चोर है, इस देश में आर्मी छोड़ सबका सब चोर। अधिकारी आगे पूछता है देश के लिए जान दे सकते हो, इरफान कहते हैं ले भी सकते हैं, देश जमीन तो हमारी मां होती है, मां पर कोई उंगली उठाए तो कब तक चुप बैठेंगे। यही जज्बा देश के हर युवाओं का इंडियन आर्मी के लिए है। पान सिंह तोमर की यादें छोड़, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अग्निपथ स्कीम में भर्ती होने वालों की सैलरी क्या होगी। अग्निवीरों की सैलरी क्या होगी। अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक सेवा निधि की घोषणा की है। इसमें पहले साल युवाओं को 30,000 रुपए मासिक पे रखा जाएगा। ईपीएफ पीपीएफ की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4,76,000 रुपए पाएंगे। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपए यानी सालाना 6,92,000 रुपए हो जाएगा। साथ ही अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। सेवा के दौरान अगर कोई जवान दिव्यांग हो गया तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44,00,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही सेवा काल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस योजना को राजनाथ सिंह ने एक क्रांतिकारी कदम बताया। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर अग्निपथ योजना को पीएम मोदी की दूरदर्शी योजना बताया। साथ ही इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला भी किया गया है। दरअसल कई रक्षा विशेषज्ञों ने मोदी सरकार की इस योजना को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना को लेकर चिंता जाहिर की है। इन लोगों का मानना है कि जब 4 साल की नौकरी खत्म हो जाएगी तो युवा क्या करेंगे। हालांकि राजनाथ सिंह ने योजना का ऐलान करते वक्त कहा था कि जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे उन्हें अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि वो प्राथमिकताएं किस तरह की हो सकती हैं। 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर,
सर्विस के बाद जवानों को डिप्लोमा मिलेगा, जवानों को क्रेडिट स्कोर देने की भी बात की जा रही है। रिटायरमेंट के बाद नौकरी में सरकार मदद करेगी, सरकारी मंत्रालय जवानों का कौशल विकास करेंगे, पुलिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नौकरी पाना आसान हो सकता है, कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी भी एक बेहतर विकल्प हो जाएगी। इस योजना को लेकर देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्या राय है? हम आप तो जो सोचते हैं समझते हैं वो ठीक है, सरकार एक नई योजना लेकर आई ये भी ठीक है, लेकिन जो लोग सेना में काम कर चुके हैं, सेना को जी चुके हैं, वो क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से आज तक ने बात की, सुनिए उन्होंने इस योजना को लेकर क्या कहा। इससे एक तो पेंशन बिल कम हो जाएगा और एक इससे शायद जो उनकी तनख्वाहों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि बेसिकली इसका एक तो फाइनेंशियल इफेक्ट सरकार के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात जो देख रहे हैं हम कि कुछ वो सोचते हैं कि शायद चार साल के लिए कोई नौकरी मिल जाएगी किसी को, और तीसरी बात कि शायद जो लड़के चार साल या पांच साल आर्मी में रहेंगे उनको शायद वो अच्छे ह्यूमन बींग्स बन जाएं। ये तो सरकार सोच रही है, बड़ा अच्छा सोच रही है, लेकिन इसका इफेक्ट आर्मी पर क्या होगा? आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि देश की सिक्योरिटी है, बन जाएगा जैसे बाकी 75% होंगे तो हो नहीं सकता। गणित एक ऐसा विषय है जिसको बड़ा पेचीदा बनाया जाता है, एक अंक का भी हेर फेर हुआ तो आपको शून्य ही मिलेगा। ये कोई हिस्ट्री का पेपर नहीं कि 10 नंबर का सवाल है, 8 पन्ने में लिखना है, आपने 4 पन्ने भी लिख दिए तो 4 अंक तो मिल ही जाएंगे। हालांकि गणित की एक खूबी भी है जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, अगर सारा समीकरण अंकों का गणित सही रहा तो 100 में 100 मिल जाते हैं। आप कहेंगे पालीवाल जी कहां सेना की बात कर रहे थे और कहां अब गणित की बात करने लगे। तो ऐसा है कि अग्निपथ योजना में गणित का भी बड़ा हिसाब किताब है। वो ऐसे कि देश के कुल रक्षा बजट यानी कि 71.13 अरब डॉलर का आधे से ज्यादा हिस्सा कर्मियों की सैलरी और पेंशन बिल देने में ही निकल जाता है। ऐसे में सेना के आधुनिकीकरण और सैन्य उपकरणों पर खर्च करने के लिए पैसे बहुत कम बचते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत अपनी सेना पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। बीबीसी के मुताबिक चीन अपने रक्षा बजट का करीब 1/3 ही सैनिकों के वेतन पर खर्च करता है, जबकि भारतीय सेना को 60% करना पड़ता है। चीन लगातार अपनी सेना में लोगों की संख्या को घटा रहा है और तकनीक पर जोर दे रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां लोगों को सबसे ज्यादा सेना के जरिए रोजगार मिलता है। भारतीय सेना में फिलहाल 14 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है, 60,000 सैन्य कर्मी हर साल रिटायर होते हैं। अब तक भारतीय सेना खुली भर्तियों के लिए 100 से ज्यादा रैलियों का आयोजन करती थी। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, लेकिन नई योजना से हर साल भारतीय सेना को 45,000 जवान मिलेंगे। ये अलग बात है कि इनमें से 75% 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार की इस योजना से भारतीय सेना दुनिया की सबसे युवा सेना बन जाएगी। हमने अग्निपथ योजना की बात की, इसके तमाम पहलुओं को आपको बताया। आप सोच रहे होंगे कि ये जब क्रांतिकारी और युवाओं को रोजगार देने वाली योजना है तो इसको लेकर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, किन बातों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि इस योजना पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है। अग्निपथ योजना पर विपक्ष के सवाल, 6 महीने की ट्रेनिंग में भला कैसे तैयार होगा योद्धा, पहला सवाल यह है। 4 साल में सैनिकों की लॉयल्टी और अन्य जवानों की तरह देश के लिए जज्बा नहीं होगा। 75% जवानों का सेना से निकलने के बाद क्या होगा, भर्ती को लेकर सेना पर प्रयोग करना गलत। 25% ट्रेंड सैनिक पाक चीन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए काफी नहीं है, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह भी है कि यह सिर्फ 4 साल की बात नहीं है बल्कि एक रोटेशन प्रोसेस होगा जो साल दर साल चलता ही जाएगा और स्किल्ड जवान हमारे देश को मिलते रहेंगे। नई योजना सरकार और तीनों सेनाओं के वेतन और पेंशन खर्च को भी कम करने के लिए है, जिससे देश को लॉन्ग टर्म फायदा होगा ऐसा माना जा रहा है। बाकी शो की शुरुआत में जो आपको फिल्म की बात मैंने की थी वो हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां उस वजह से याद आ रही है। अग्निपथ याद है ना, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस अग्निपथ पर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, मेरा मतलब आरएनए का अगला सेगमेंट।